सबमिट किया भी हुआ है कि ज्वाइनिंग करने के लिए आपको ओजोन जो न्यू हमारा ब्लॉकचेन है 2.0, इसका एक कॉइन की जरूरत पड़ेगी एक्टिवेट होने के लिए। यानी ज्वाइनिंग तो 0 पर हो जाती है, सिर्फ आपको गैस भी देनी होगी, लेकिन आपको अगर एक्टिव होना है, अल्फा बनना है, तो आपको स्टेक लगाना पड़ेगा न्यू वाले से। जब आप न्यू वाला स्टेक कर लेंगे, उसके बाद से फिर आपको फैसिलिटीज मिलेगी, मेटामास्क में भी फैसिलिटीज मिल जाएगी कि आप कैसे पुराने वाले कॉइन को स्टेक में लगाएंगे। तो पुराने वाले कॉइन भी आपको स्टेक में लगेगा, वहां पे आपको बटन मिलेगा। उसका मैकेनिज्म ये है, हमारा एक स्वैपिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया गया है प्रूफ ऑफ बर्न के ऊपर, यानी कि जो भी पुराने कॉइन उस कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे तो उसके बदले में न्यू कॉइन उनको मिलेगा, और वो कॉइन जो बर्न हो जाएगा परमानेंटली, वो किसी भी हालत में कंपनी या किसी और के अकाउंट में नहीं जा रहा, वो पूरी तरह से बर्न है, वो कभी नहीं निकलने वाला, यानी डिस्ट्रॉय किया जा रहा। दूसरी चीज अब आती है कि हम कैसे उसको वो करेंगे, परसेंटेज क्या होगा। तो सिस्टम यही है कि आपने जैसे स्टेक लगाया, सपोज आपने 100 ओजोन लेकर आए हैं पुराने वाले स्टेक लगाने के लिए, तो 100 ओजोन हम आपसे ले लेंगे और उसको बर्न कर देंगे। बदले में हम आपको 100 ओजोन देंगे, लेकिन ये 100 ओजोन हम आपको आपके एड्रेस पर नहीं देंगे, ये हम आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में स्टेक लगा देंगे। अब ये स्टेक जो लगाएंगे, तो जिस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होना है, आपके जितने भी अपलाइन है जो जो बेनिफिट होने हैं, वो उनको उसका बेनिफिट जाएगा, लेकिन जितना जाएगा वहां पे भी रेशियो रखा गया है। देखिए, ये फाइनल डिसीजन तो 25th को ही पता चल पाएगा, बस मोस्ट प्रोबेबली जो अभी तक का जो सबसे बेस्ट जो डिसीजन जो कंपनी ने हमें दिया है, वो ये है कि हम 25th%, यानी 25% हम एट ए टाइम, जैसे ही आप ज्वाइनिंग लगाएंगे, 25% हम आपका स्टेक में लगा देंगे उसी दिन, राइट। इससे क्या होगा कि जो भी सपोज आपने 100 कॉइन लेकर आए, तो हम 25 कॉइन का माइनिंग आपको ये वाला देना शुरू कर देंगे उसी दिन से, राइट। तो ये मान लीजिए कि टाइमिंग एक शेड्यूल होगा कि इतने तारीख से इतने तारीख तक, जैसे मान लीजिए। तो 25 तारीख को होगा, उसके बाद में प्रक्रिया, पहले टॉप लेवल के जो लीडर होंगे, उसके बाद में फिर डाउनलाइन में होगा कि न्यू कॉइन हमें कंपनी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोर्स से प्रोवाइड कर देगी, इधर स्वैपिंग के थ्रू कर देगी या डायरेक्ट भी कर देगी, जब तक कि एक्सचेंज नहीं आ जाता। एक्सचेंज आने में मुझे लगता है कि मिनट लाइव होने के बाद 1 वीक एटलीस्ट चाहिए होगा, तो 1-2 तारीख तक एक्सचेंज के वो आ जाएगा, फिर तो वहीं से बाई सेल शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी ज्वाइनिंग लगाने के लिए कॉइन न्यू चाहिए, तो बाइंग हम कंपनी के थ्रू ले पाएंगे। USDT से हम लोगों को $100 में एक कॉइन मिलेगा, और हम लोग अपनी ज्वाइनिंग करेंगे। थोड़ी 1 हफ्ते तक के रफ्तार थोड़ी सी मुझे लगता है कि कम रहेगा, लेकिन 1 हफ्ते के बाद में जैसे एक्सचेंज पे लाइव हो जाएगा, फिर रफ्तार बढ़ जानी है, ठीक है। तो उसी टाइम में पहले तो 1 हफ्ते हम लोग न्यू कॉइन से ही आईडी लगा पाएंगे, पुरानी कॉइन्स के लिए उसी बीच में जो स्वैपिंग का जो प्रक्रिया है वो रेडी हो गया रहेगा, क्योंकि तो स्वैपिंग की भी जो सॉलिडिटी है वो ऑलरेडी टेस्टनेट पे टेस्ट हो चुकी है। जब मेननेट लाइव होगा, फिर मेननेट पे उसको टेस्ट किया जाएगा, तो उसके प्रक्रिया में भी हम लोग मान कर चले कि 1 वीक तो लगेगा ही, तो उससे पहले हम लोग पुराने वाले से आईडी नहीं लगा पाएंगे। लेकिन जैसे ही 2-4 दिन या 1 वीक मैक्सिमम मैं मान कर चल रहा हूँ, फिर आईडी पुराने से भी लगने शुरू हो जाएंगे। तो एक डेट निकाल दिया जाएगा, 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक आपको मौका मिलेगा पुराने कॉइन को स्टेक में लगाने, राइट। तो उतने दिनों तक ओपन कर दिया जाएगा, जितनी भी मार्केट में कॉइन्स हैं वो सारे कॉइन्स को लोग अपना स्टेक लगा देंगे। जैसे वो स्टेक में लग जाएगा, उसके बाद में
उसका 25% हम उन्हें दे देंगे। अब उनको माइनिंग आ रही है, वो सेल कर रहे हैं, उस जो नए कॉइन जनरेट हो रहे हैं उससे फिर ज्वाइनिंग के लिए वो यूज होने लगेगा। तो एक तरह से जो भी जिन लोगों के पास भी पुराने कॉइन है उनसे उनको नए कॉइन मिलने शुरू हो जाएंगे। अब यानी एक महीने में हम लोगों का 50% कॉइन स्पीड में करवा देंगे, ठीक है। यानी एक एक तारीख को हुआ तो 31 तारीख को उनका फिर से हो जाएगा। फिर अगले महीने फिर हम 1 तारीख से 5 तारीख तक का एक ऑप्शन निकालेंगे, उसमें जितने भी और जो कॉइन्स जो नए जनरेट हुए हैं इस महीने में फिर उनके लिए भी स्टेक का ऑप्शन आ जाएगा और वो स्टेक यहाँ पे लगा देंगे। तो फिर उनका भी 25% कर लेंगे, जो पुराने वाले हैं वो भी कर लेंगे। तो इस तरह से हम एक ऐसा मैनेजमेंट करेंगे कि हर कोई यहाँ से बेनिफिट ले ले। लीडर्स हैं उनके पास भी कॉइन है वो भी बेनिफिट ले ले, जो इन्वेस्टर्स हैं जो जो आम पब्लिक है वो भी बेनिफिट ले ले। अब यहाँ पे एक चीज और समझ में आता है, लोगों को ये दिमाग में होगा कि सर मेरे पास तो नए कॉइन नहीं है केवल पुराने कॉइन है तो फिर हम आईडी कैसे लगाएं। ऑब्वियसली आप पुराने कॉइन को सेल आउट करेंगे और नए कॉइन को खरीद लेंगे इसमें, क्योंकि जैसे ही हमारा नया पुराना कॉइन स्टेक होना शुरू होगा तो मोस्टली लोग पुराने कॉइन को प्रीफर करेंगे। वो चूंकि हकीकत है कि नए जो नया कॉइन होगा वो $100 में मिलेगा, तो लोग कोशिश करेंगे कि सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए $100 खरीदे और स्टेकिंग करने के लिए वो मार्केट से कहेंगे कि मुझे पुराना वाला कॉइन अरेंज करवा दो, क्योंकि पुराना हम नया वाला कॉइन हमारे पास इतना अवेलेबल होगा नहीं, वो 100 से ऊपर उसकी प्राइस चली जाएगी। तो क्योंकि मान लीजिए कि अभी तक मार्केट में लोगों के पास 4 से 5 लाख कॉइन होंगे होंगे नहीं मतलब यही डेटा है, तो 4-5 लाख कॉइन में से 1.25 लाख कॉइन अगर हमने डाल दिया तो डेली का हम मैक्स टू मैक्स मानकर चलिए कि 1,000 कॉइन प्रोड्यूस कर पाएंगे डेली, लेकिन हमारी जो डिमांड होगी वो डेली का 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 कॉइन की जरूरत होगी, तो उतना तो नया वाला दे नहीं पाएंगे। तो लोगों को पुराना कॉइन से ही काम चलाना पड़ेगा। अब पुराने कॉइन जितने भी लोगों के पास है अब उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, जो अभी 3-4 महीने तक जो लोगों ने इसको पेशेंसली जो रखे हुए हैं उनको अब फायदा मिलेगा, क्योंकि उनको 3,000-4,000 में बेचने की जरूरत नहीं मिलेगी बल्कि यहाँ वो भी $100 में बेच पाएंगे, राइट। तो एक ये बेनिफिट पुराने वाले के साथ अब हो जाएगा कि बल्क में अगर कॉइन किसी को चाहिए होगा, मान लें कि आपको पता है कि जब भी हमारा 2.1 जब चल रहा था, हम लोग जब एकदम एक्सचेंज वगैरह पे सब एकदम ठीक ठाक चल रहे थे, 2.0 का अनाउंसमेंट नहीं था, तब तक हम लोग अगर चाहते थे भी कि एक बार में हमें 1,000 कॉइन मिल जाए तो पॉसिबल नहीं होता था, हम अपने टीम से भी नहीं खरीद पाते थे उतना, एक्सचेंज पे भी उतना नहीं अवेलेबल होता था, राइट। तो वही सेम चीज होने वाला है फिर से 2.0 में, तो उससे भी बड़ी भीड़ आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि वेट एंड वॉच में है, बहुत सारी कंपनियां जो में जो लोगों को धोखा खाए हुए हैं जो परेशान है, उन लोगों को अब पूरी तरह से बिलीव हो गया कि वाकई में ओजोन ही एक हमारे लिए विकल्प है, राइट। यानी ओजोन एक ब्रांड है, जैसे कि आज के डेट में एप्पल एक ब्रांड है, लोगों की पसंद होती है कि पहले बार मुझे एप्पल में जाना चाहिए, मुझे अगर मेरे पास पैसे है तो मैं आईफोन यूज करूंगा, ये लोगों की प्रेफरेंस हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कमिटमेंट पे फुलफिल उतरे हैं और उस तरह की सिस्टम दिया है, वो उस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, राइट। तो एक ये चीज, अब वही मार्केट में बहुत सारी कंपनी डेली आती है जस्ट लाइक चाइनीज मोबाइल की तरह, तो लोग यही सोचते हैं कि चलो यूज कर लेते हैं, पता ना अगर आ गया तो आ गया, थोड़ी बहुत इन्वेस्ट करके बस देखने के लिए करते हैं कि अर्ली है डाल देते हैं देख लेते हैं, लेकिन उनको भी भरोसा नहीं होता क्योंकि उन्हें भी वहां पे भरोसा नहीं है, बस इधर उधर घूम रहे होते हैं। लेकिन जो वाकई में करियर चाहते हैं, जो वाकई में चाहते हैं कि मुझे बहुत आगे जाना है, तो उनको प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, और वो ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में थे जो उन्हें ओजोन में दिखने को मिला, और 2.0 जब ओ आ रहा है तो उन्हें पता है कि 1.0 में जब इतनी स्टेबिलिटी थी
अब 2.0 आया तो हम इसमें और बड़ा स्टेबल बन जाएंगे, या एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। रदर अगर टेक्नोलॉजी की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो ओजोन के अलावा पूरी दुनिया में ऐसी भी कोई भी कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम नहीं है जहां आपकी टेक्नोलॉजी जबरदस्त हो। मार्केटिंग बहुत होती है, चीजें बहुत होती है, चाइनीज मोबाइल को भी एप्पल के खोल में डाल करके दे दिया जाता है, लोग लगता है कि लेकिन ओजोन ने एप्पल रहते हुए भी बहुत बड़ी ब्रांडिंग नहीं करी, वो क्यों?